स्टूडेंट सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं साइको टेस्ट का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं, जो कि आज प्रैक्टिस के लिए मैंने 30 से 40 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जिसके लिए आपको हर तीन क्वेश्चन के लिए एक मिनट का समय रहेगा। एक मिनट में आप तीन क्वेश्चन देखिए और उसका जवाब दीजिए, और उसके बाद मैं आंसर बताते चलूंगा तीनों का, तीन तीन करके। तो इस तरह से आप आंसर का मिलान कर सकते हैं। आज देखिए यहाँ टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा मैं। पिछले कल जो मैंने वीडियो लिया है, वहां पर उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरह से आपको ये टेस्ट देना है, और एक गाइडलाइन से संबंधित मैंने वहां बात बताई है कि एक गाइडलाइन मैंने दिखाया है, पढ़ाया भी है और बताया भी है उसमें कि किस तरह से आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले मैं आज फिर से एक दिशा निर्देश आपको बता देता हूँ कि क्या इसके गाइडलाइन है, जो कि आज कुछ लोग कल वीडियो नहीं देख पाए तो आज ये वीडियो देख लें। और यहाँ देखिए है ये टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपका टेस्ट का नाम है। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अगर भूल जाइएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। दूसरा चीज ये बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप साइको में क्वालिफाई होंगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप साइको, क्योंकि साइको में कुछ है नहीं, सिर्फ ये प्रैक्टिस खोजता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तब आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए यहाँ निर्देश पढ़ते हैं क्वेश्चन का। इस परीक्षण में प्रत्येक समस्या में 5 आंकड़े शामिल हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है, और आपको वह पता लगाना है कि जो अन्य 4 से अलग है। तो यहाँ पर देखिए 4 फिगर दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस आपको करना है, जिसके लिए आपको एक मिनट का समय दिया जाएगा। उसी में आप एक मिनट में आपको वो तीन क्वेश्चन देखना है और फिर उसके आगे आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये चारों 5 फिगर दिया हुआ है, इन सभी में से देखिए ये वाला फिगर डायरेक्ट आपका एकदम अलग दिखाई दे रहा है, जो कि इन सभी 4 फिगर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोला बीच में बनाकर ये डॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके इस तरह से आपको जो 4 भिन्न है, जो 5वां से मैच नहीं करता है, उसे आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको देखने इसे देखने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। इसी 1 मिनट में आपको इसके आंसर भी देने हैं, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा भिन्न है जो इन सभी से अलग है, जो 4 फिगर से अलग है, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 1 मिनट का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन को देख लीजिए और कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। आंसर इस 1 मिनट में आपको तीनों जवाब देने हैं। एक मिनट पूरे हुए, अब चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है पहला का बी है। कैसे बी है होगा ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये सभी देखिए ये वाला भाग जो लगा हुआ है वो सभी इसके साथ में क्लॉकवाइज घूम रहा है सभी फिगर में, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिये दूसरा वाले में कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा वाले में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन 4 से ये भिन्न है, क्योंकि इसमें एरो अंदर की ओर बना हुआ है। इसके बाद तीसरा फिगर में कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्यों होगा ई सही, क्योंकि इसमें यहाँ डिवाइडेड वाला चिन्ह दिया हुआ है, क्योंकि बाकी सब में प्लस स्टार और माइनस और एरो का फिगर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला फिगर देखते हैं, आपके पास 1 मिनट है।
देखकर बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए तुरंत। एक मिनट हो गया, इसका आंसर होगा यहाँ पर पहला यहाँ जो देख रहे हैं उसका डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सभी में त्रिभुज के अंदर या फिर इसके अंदर कह लीजिए तो तीन तीन फिगर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो फिगर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ये चारों से भिन्न है। और इसमें देखते हैं इन सभी में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि सभी के छः छः भुजाएं हैं लेकिन इसके सात भुजा है, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भुजाएं से जुड़ी हुई एरो है लेकिन यहाँ पर ये कॉर्नर से कोने से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। एक मिनट का समय आपके पास रहेगा, देखिए एक मिनट के अंदर बताइए तुरंत। जल्दी, आपका एक मिनट पूरा हो गया। इसका आंसर चलिए बता देता हूं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए सभी बीचों बीच अर्धवृत्त बना दिया गया है लेकिन यहाँ पर ये साइड में कटिंग किया हुआ है, इसका सी हो जाएगा। और ये देखिए सीधे सीधे देखने से ही पता चल रहा है ये किस तरह से कटिंग किया गया है, सेक्शनिंग किया गया है, ये तो इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखने के लिए एक मिनट है समय, और इस एक मिनट में आपको देखकर बताना है, कमेंट कीजिए। चलिए एक मिनट पूरा हो गया, मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा पहला का डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में चार बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है अंदर, लेकिन इसमें सबका भाग अलग अलग है, सिर्फ ये दो भाग मैच कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगला फिगर में देखते हैं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। कैसे होगा सही? क्योंकि ये मिनट वाली जो सुई है वो इसके जस्ट विपरीत दिशा में है, बाकी सब इसमें क्लॉकवाइज में आगे की ओर, कुछ आगे की ओर दिया गया है, मतलब
मतलब कि थोड़ा नजदीक है ये घंटे के सुई से। इसमें तीसरा फिगर में देखते हैं, ये वाला आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि सभी में एक दूसरे के विपरीत दिखाया गया है फिगर, और इसमें दोनों एक समान दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए एक मिनट का समय है आपके पास। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है साइको के लिए। आपके टाइम पूरे हुए, चलिए आंसर बता देता हूं। सही आंसर होगा पहला का डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम बना हुआ है। दूसरा का कौन सा हो जाएगा, दूसरा का भी डी हो जाएगा, सही आंसर होगा, और तीसरा का भी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये शायद समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, इसमें देखिए सभी में दिया हुआ है त्रिभुज, वर, पंचभुज, षटभुज, ये देखिए एक सीरियल क्रम से सब में दिया हुआ है। लेकिन इसमें त्रिभुज के बगल में वर्ग दिया हुआ जरूर है, लेकिन उसके बगल में आपका क्या दे दिया गया है, षटभुज सीधे दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पंचभुज होना चाहिए तब ये सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। इसमें नीचे वाले में यहाँ देखिए सभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। ठीक है, इसलिए ये सभी से भिन्न है। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं। देखने के लिए एक मिनट का समय है, इसे एक मिनट में आपको आंसर भी देना है। कमेंट कीजिए देखकर तुरंत, इन सभी में से कौन सा भिन्न है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। एक मिनट पूरे हुए, चलिए आंसर बता देता हूं मैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक एक त्रिभुज में सब में ये खाली दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये समद्विभाजित कर दिया गया है बीच में। दूसरा वाले में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सभी का मुंह देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, कोना कटा हुआ है, लेकिन इसका पूरा जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है। ठीक, इसके बाद अगला फिगर देखते हैं। इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ देखिए पांच बिंदी होना चाहिए था, ये बिंदु बना हुआ है, जो सभी में देखिए तीन तीन बना हुआ है, दो दो बना हुआ है, एक एक बना हुआ है, लेकिन इसमें पांच नहीं बना हुआ है, खाली जगह है, तो ये आपका इन सभी से भिन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखने के लिए एक मिनट का समय है आपके पास, देखिए। कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। और जो गाइडलाइन मैंने बताया है उसे जरूर देखें, क्योंकि गाइडलाइन अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी कमेंट कीजिए।
चलिए एक मिनट पूरे हुए, मैं आंसर बता देता हूँ। पहला का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में देखिए यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है और इसमें चूंकि ज्वाइंट किया हुआ है पूरा। दूसरा का आंसर ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं, पता चल जाएगा यहाँ गोला दे दिया है, बना दिया है, डी हो जाएगा। और तीसरा में आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का सही आंसर होगा ये चार नंबर वाला, क्योंकि इसमें ये वृत्त का ज्यादा भाग अंदर की ओर है, बाकी सभी फिगर में देखिए वृत्त का ये अंदर वाला भाग बहुत ही कम है। चलिए आगे देखते हैं, देखने के लिए एक मिनट का समय है आपके पास, एक मिनट में देखिए और कमेंट कीजिए तुरंत। कौन सा एक इन सभी से भिन्न है, जल्दी कीजिए, एक मिनट पूरे हुए आपके। चलिए आंसर बता देता हूं मैं, सही आंसर होगा पहला का, ये तीन नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि ये सभी भुजा में जुड़े हुए हैं, भुजा से लगे हुए हैं, बने हुए हैं, जो भी बना हुआ है भुजा में लगा हुआ है, लेकिन ये भुजा और कोने दोनों से ही मिलकर बना हुआ त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं यहाँ बीच में देख रहे हैं, ये सब सभी अलग अलग बिंदुओं पर है, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक ही बिंदु पर ये बना हुआ है, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सिर्फ तीन ही रेखाएं से इसे संविभाजित किया गया है, लेकिन बाकी सब में देखिए कितनी सारी रेखाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद देखिए, देखने के लिए एक मिनट है, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा आपके। देखिए एक मिनट पूरे हुए, चलिए मैं आंसर बता देता हूं। पहला का बी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर देखिए पंचभुज बना हुआ है लेकिन यहां पर वर्ग बना हुआ है। इसके बाद दूसरा का देखिए कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के देखिए कि विपरीत बना हुआ है, फिगर एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से होना चाहिए था, जो कि इस तरह से हुआ है, तो ये एक मिरर इमेज की तरह है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि ये सभी एक बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर का भाग कम है, नीचे का भाग ज्यादा है, इसलिए बी सही हो जाएगा। और इस तरह से प्रैक्टिस सेट आज के पूरे हुए हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, और कल क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेमोरी टेस्ट पढ़ने के लिए तो मैं मेमोरी टेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं कल से ब्रिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें ईंटों की संख्या को बताना है, ठीक है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले का मैंने तीन चार वीडियो डाला हुआ है साइको से रिलेटेड, तो वो सब वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।